तो जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखते चले जाएंगे मगर mostly focus यहां पे जो है, वो सिस्टम है ठीक के अंदर। वी नो सो फार हमने प्रोसेस देख लिया हमने चाइल्ड वगैरह के बारे में बात समझ ली हम ये सारी चीज हमने विंडो बेस देखी थ्रेड क्या होता है प्रोसेस क्या होता है मल्टीटास मेमरी देख ली रजिस्ट्री देख ली ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम देख चुके हैं हमने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं अब हम दोनों से अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एनवायरमेंट में नहीं मिलेगा आपको इन्वायरमेंट में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे तो ये जो चैप्टर है इज अबाउट गिविंग यू अर हिंट ऑन अ लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोगों को स्ट्रांगली 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 सजेस्ट करता हूँ कि आप हमारा आर एच सी एस ए की जो सेवन पॉइंट जीरो की सीरीज चल रही है ना जो अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है मेरे ख्याल में लास्ट वीक इंट्रोड्यूस कराई है उसको जरूर पढ़े ठीक है उसको स्किम कर लें मैं पूरी की पूरी पढ़ने को नहीं कह रहा स्किम कर लें क्योंकि अगर आप इस फील्ड के अंदर एडवांस करना चाहते हैं एडवांसमेंट करना चाहते हैं और आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ट्रस्ट में आपको सिक्योरिटी टूल विंडोज एनवायरमेंट पे लिमिटेशन प्रोड्यूस करते इसलिए आपके पास आर एस सी एस ए लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसीलिए हमने आर एस सी एस ए को बहुत ज्यादा फोकस करके ट्रेनर ढूंढा और शुरू किया अली अली जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और अली की कभी अगर आपको तेज सुनने की आदत है तो उसको यूट्यूब के अंदर 1.5 रख के सुने मैं अली को नॉर्मली 1.5 और 2 पे सुन रहा होता हूँ ठीक है तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना ये बहुत हाई लेवल है मगर आपको जो सा है अगर आप रेड हेड की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा ठीक है प्रोसेस क्या होता है हमें पता है प्रोसेस क्या स्पेसिफिक टास्क है परफॉर्म कर रहा है ठीक है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं हम लिनक्स के अंदर उस थ्रेड्स की कहानी में नहीं जाते हम प्रोसेस की कमांड निकालने के लिए पी एस स्पेस ए यू एक्स की कमांड देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है ठीक है मल्टीपल प्रोसेस हो जाते हैं यूनिक्स के अंदर जो से हैं कोई चार या पांच किस्म के प्रोसेसिस होते हैं वन इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड uh, प्रोसेस जिसका एक पेरेंट होता है ठीक है पेरेंट क्या होता है कि एक मेन प्रोसेस हो गया जिस तरह तरहिक्स यूनिक्स के अंदर एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड इनिट प्रोसेस ठीक है जब कर्नल लोड होता है लिनिक्स के अंदर भी यही होता है जब लोड होता है तो पहला प्रोसेस शुरू करता है विच इज कॉल्ड पी आई ठीक है ये पेरेंट प्रोसेस है और ये जब चाइल्ड प्रोड्यूस करता है तो ये एक प्रोसीजर है जिसे हम फोर्किंग कहते हैं ठीक है फोर्क प्रोड्यूस करता है आप फोर्क की कमांड नहीं रन कर सकते फोर्स की कमांड यूज होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस uh, के अंदर कि अगर आपने मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोड्यूस करने हैं कर्नल के अंदर यूज हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यूज़ हो रही है ठीक है तो फोर्किंग से वो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस प्रोड्यूस करता है फिर एक और टाइप का प्रोसेस है विच इज कॉल्ड ऑरफन प्रोसेस ऑर्फन प्रोसेस क्या है सिर्फ एग्जाम्पल मैंने एक प्रोसेस रन किया ठीक है मैंने प्रोसेस ए उसका नाम दे दिया ठीक है अब मैंने एक और प्रोसेस रन करना है प्रोसेस बी तो वो प्रोसेस बी है इसका पेरेंट प्रोसेस प्रोसेस ए है मगर इसने एक और प्रोसेस शुरू किया प्रोसेस सी

ठीक है रेडी स्टेट के अंदर होता है ये यह यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी प्रोसेस को स्टार्ट होता है वो रेडी स्टेट में होता है ठीक है uh, मगर जिस तरह ही उसे प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है कि हाँ भाई अब आ जा तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है इस इस चीज को 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 पूरे इवेंट यानी रनिंग रनिंग से ready से रेडी स्टेट में जाने प्रोसेस कहते हैं अब यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन में चला गया और दो किस्म की प्रोसेस स्केजुल नॉर्मली विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम होती है एक कहलाती है प्रियमटिव प्रोसेसिंग स्केजुल और दूसरी कहलाती है नॉन प्रियमटिव प्रियम का मतलब होता है छीन लेना ठीक है छीन लेने से क्या मुराद हुआ कि अगर ऑपरेटिंग सबसे हमने पिछले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट के लेक्चर में देख लिया था कि जो सीपीयू है ठीक है ये एक्चुअली मैंने सीपीयू माने या ना माने ये जो आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब कोई बंदा इसके पास होता है तो ये रनिंग प्रोसेस में होता है रनिंग स्टेट में होता है कोई प्रोसेस ठीक है तो एक ऐसा प्रोसेस जो सीपीयू अगर के काम कर रहा है ठीक है मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपका सीपी और जितने प्रोसेसेस लाइन में लगे वो सारे लोग हैं जो क्यू करके बाहर में बैठे हुए हैं ठीक है एक डेंटिस्ट एक बंदे के जो है दांतों की वाइटनिंग कर रहा है एकदम एक, एक पेशेंट आता है जो जिसकी जो सी है एक रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मर जाएगा अगर उसको ट्रीट ना किया लाइक रूट केनाल या कुछ भी हो गया ठीक है तो वो क्या करेगा वो पेशेंट जिसकी वाइटनिंग कर रहा था उसको स्टॉप करेगा पॉज करेगा उसको कमरे से बाहर निकालेगा उस इंपॉर्टेंट पेशेंट को प्रोसेस करेगा ठीक है इस चीज़ की प्रायोरिटाइजेशन जो है नॉर्मली आपकी होती है आई आर रिक्वेस्ट क्यू ठीक है कुछ प्रोसेसेस

खत्म किया जाता है टर्मिनेट किया जाता है या किल किया जाता है तो वो क्या करता है वो अपनी जितनी मेमोरी एलोकेशन हुई हुई है ठीक है जो एलोकेशन होते हैं उन सबको अप कर देता है अच्छा ये हो गया ऑर्फन प्रोसेस कि प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस कि उसका पेरेंट प्रोसेस उतर गया मगर उसको परमिशन है वो चलता रहेगा चलता रहेगा ठीक है थीके? अच्छा एक होता है जोम्बी प्रोसेस जोम्बी प्रोसेस क्या होता है कि वो उसको कहा भी तू बंद हो जा और जी वो शट डाउन हो गया

विंडोज के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है सर्विसेज का जो बैक एंड पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं हमारे पास एक स्लाइड है उसके बारे में ये चीजें आपकी यूनिक्स में भी मिलेंगी आपको लिनक्स में भी मिलेंगी ठीक है मैक ओएसिस के अंदर भी विंडोज के अंदर भी यही सारी चीजें है ठीक है और जिस तरह मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में बताया कि प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में होते हैं एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाते हैं और इस रेडी और रनिंग रेडी और रनिंग स्टेट में रहते हैं ठीक है अगर मेरे पास मैंने क्या किया इसकी लैब कराने के लिए मैंने काली लिनिक्स इंस्टॉल की मैंने एक्चुअली सेंट ओवेस भी इंस्टॉल किया ठीक है मगर सेंट ओवेस का मसला ये था कि सेंट ओएस जो है वो कोर बेस सेंट सेंटोस इंस्टॉल कर दिया तो वो मसला करेगा आप लोगों के लिए ठीक है तो अगर मैंने जो है आ, का PwD. PwD मतलब कहाँ पे मैं रूट में खड़ा हुआ ठीक है ये मेरी ये मेरी डायरेक्टरी है अगर मैं सी डी सी डी अल्लाह फॉरवर्ड स्लैश अगर यहाँ पीडब्ल्यू डी करूँ तो मैं रूट में खड़ा हूं और अगर मैं एल एस करूँ तो ये मेरी डायरेक्टरीज हैं अच्छा तो अगर एल एस माइनस ए करूँ ये बाकी बा, उससे बाहर जाना शुरू हो गया ठीक है तो ये हिडन डायरेक्टरीज भी आपको दिखाना शुरू कर देगा ठीक है थीके? और हिडन डायरेक्टरी से पहले मेरे ख्याल में डॉट लगा होता है ठीक है एनी वे तो हम क्या करने लगे थे हम प्रोसेस देखने चल रहे थे पी एस पी एस ऑक्स ठीक है ये आपके पास सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं ठीक है अब इनमें जो से हैं ये प्रोसेस किस यूजर के तहत है इस प्रोसेस का आईडी क्या है सीपीयू कितने हैं कितना है ये पता नहीं क्या क्या क्या, क्या है टी क्या है और ये स्टेट है ठीक है अगर स्टेट आर होती तो ये रनिंग प्रोसेस होता है आई का क्या मतलब होता है ये यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें जो सी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं ये प्रोसेस की जो सी है मैंने आउटपुट ली थी मगर मेरे ख्याल में ये डिफरेंट की है काली की प्रोसेस की आउटपुट मेरे ख्याल में पी एस हाइफन हाईफन हेल्प होगी एडिशनल हेल्प लेने के लिए बहल ये देख लीजिएगा ठीक है तो बहर पी एस ए यू एक्स जो सा है आपको प्रोसेस की लिस्ट दे देता है अगर आप हेड कर दें तो मेरे ख्याल में टॉप दे देगा यहाँ पे ना कीबोर्ड थोड़ा डिफरेंट यूज हो रहा है अब ना कर हेड ठीक है ये टॉप फाइव या टेन प्रोसेस दे देगा ठीक है तो ये जो है प्रोसेस को uh, की लिस्ट निकालने के लिए अच्छा एक और प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं हमारे पास हमारे पास एक कमांड होती है कमांड होती कमांड भूल गया मैं ई पी गेट है मेरे ख्याल में ठीक है मैं यहाँ पे लिनक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ सो इंस्टॉल एच टॉप आई थिंक एसटॉप को इंस्टॉल कर रहा है एच एसटॉप जो है इसी तरह की जो ये आउटपुट है ऑक्स की तरह आपको आउटपुट देता है मगर थोड़ा सा जी ओ आई बेस्ड होती है उसमें कलर शलर भी नजर आ रहे होते हैं आपको पता चल रहा होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितना लोड पड़ा हुआ और सारा कुछ ठीक है इसी तरह जो है, बहुत सारे और डिफरेंट सिस्टम आपके सिस्टम में काम कर रहे होते हैं जो आ, उनको डिफरेंट प्रोसेसिंग आईडी दी, दी होती है और किल किल के प्रोसेस की कमांड से आप उसको किल कर सकते हैं मगर दीज थिंग्स आर लाइक अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक मकसद ये आप को बताना कि प्रोसेसेस क्या हैं यूनिक्स uh, के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं प्रियमशन क्या होती है नॉन प्रियमशन टास्क क्या होती है ये जो बाकी क्वाडे में दिखा रहा हूँ ये तो ओवर द टॉप जाके दिखा रहा हूँ सेटिंग अप एस्टॉप ठीक है अगर मैं यहाँ पे एस्टॉप कर दूं, तो ये देखें ठीक है ये अब मुझे आपको सारे प्रोसेस दिखा रहा है अगर मैं एफ थ्री करूँ तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइक मैं अगर करना चाहता हूँ एच टॉप का ही प्रोसेस देखना चाह रहा हूँ ये आपका एच टॉप का प्रोसेस है ठीक है और इसकी प्रोसेस आईडी है सेवन सिक्स नाइन ठीक है अगर मैं एक कोर कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकता हूँ यहाँ पे आ, न्यू विंडो तो खेल सेवन सिक्स नाइन विंडोजी ना मेरी डिलीट कर दे, देखें जी किल कर दिया मैंने प्रोसेस ठीक है ये सर आपने प्रोसेस को किल कर सकते हैं तो इसे आगे चलते हैं इसे आगे जो है इस चीज़ को समराइज़ किया है कि टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसेस प्रोसेस को स्टार्ट करने के दो तरीकेकार होते हैं एक फ्रंट एंड होता है और एक बैकग्राउंड होता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड फोरग्राउंड ये जो आपके सामने चल रहा होता है बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड प्रोसेस लाइक आपका सिस्टम जो है एच टी रन कर रहा है वेब प्रॉक्सी रन हो रही है तो ये जो है ये बैक एंड प्रोसेस है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हैं यूनिक्स के अंदर जिस चाइल्ड प्रोसेस है इनिट प्रोसेस है इनिट प्रोसेस जो पहला प्रोसेस करनाल आपका लोड करता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है ऑर्फन प्रोसेस जोम्बी एंड डी

ठीक है when पेरेंट creates अ चाइल्ड प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस इज ऑन memory प्लेस हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी प्लेस होती है और फोकमांड कमांड सी है वो आपको तमाम प्रोसेस आईडीज डिफाइन करना शुरू कर देती है अक्सर ये होता है इसकी जरूरत कहां पड़ती है इसकी जरूरत ये पड़ती है जब आप फोरेंसिकानालिसिस करें सिक्योरिटी एनालिस तो आप देखना चाहते हैं कि यार कौन सा प्रोसेस के कौन कौन से पेरेंट प्रोसेस हैं तो आप देख सकते हैं उसके लिए लिनिक्स की कमांड आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की मैंने ढूंढने की कोशिश की मुझे दो चार मिली है मगर वो थोड़ा खपाने वाली थी चीज़ तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप आर एस सी एस सेवन पॉइंट जीरो देखेंगे तो उसमें चल जाएगा अच्छा जब पेरेंट प्रोसेस जो सा है चाइल्ड प्रोसेस बनाता है तो उसकी अपनी पूरी विर्चुअल स्पेस जो उसने एलोकेट की होती है उस

परमिशन परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज की जो है ना, बेस है मल्टीटास्ककिंग जो मल्टीटास्कल रन हो रहे हैं रहे होंगे हम फोरकिंग कहते हैं ठीक है मल्टी यूजर एनवायरमेंट क्या होता है मल्टी टास्क हो गया मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं मल्टीटास्ककिंग हो रही है ठीक है ना लोग कहते हैं और मल्टीटास्ककिंग में बेहतर है मर्दों से ठीक है वो मल्टीपल काम कर सकती हैं ठीक है इसी तरह मल्टी यूजर एक एनवायरमेंट होता है ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम

एक यूजर है बैठा हुआ है, एक ही गेम खेल रहा है मल्टीपल गेम्स नहीं खेल सकता ठीक है आजकल के मोबाइल के अंदर आप जो से चार में खेल रहे हैं सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग हो रही है वो ठीक है दूसरी टाइप आ गई सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग एक यूजर है मगर मल्टीपल टास्क कर सकता है ठीक है कि आपने एक एप्लीकेशन रन की दूसरी एप्लीकेशन रन की तीसरी एप्लीकेशन रन की मगर एज लॉग इन आप सिर्फ एज अ सिंगल यूजर हुए है? फिर उसके बाद हो गया मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग मैंने आज तक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा मैंने सर्च करने की भी कोशिश नहीं की मुझे नहीं याद कोई ऐसा यूजर हो जिसमें एक यूजर हो मल्टीपल यूजर हो मगर सारे के सारे एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हो ऐसा मैंने आज तक कभी किसी सिस्टम ने मैंने देखा आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग मॉडर्नो एप्स कि मल्टीपल यूजर लॉग इन हुए इन like सारे के सारे डिफरेंट टास्क रहे इंजन को चला रहा, कोई डिस्कशन को फॉर्म रहा है ठीक तो है ये मल्टी यूजर मल्टी है सो वेर वर वी हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग मीन कंट्रोल क्योंकि मल्टीपल यूजर्स बैठे हुए हर एक को डिफरेंट किस्म की परमिशन चाहिए तो दीज कंट्रोल्स आर कॉल्ड परमिशंस इन कंट्रोल्स को कि काशिफ है काशिफ की ही फाइल्स को एक्सेस कर सके आसिफ आसिफ की आतिफ आतिफ की ठीक है ये तमाम जो परमिशंस हैं इनको कंट्रोल करने के प्रोसीजर को हम परमिशंस कहते हैं ठीक है अब परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं आ, अपने लिनक्स में चलाएं तो एलएस करूं LS -L मेरे ख्याल में तो जनाब ये आपको आउटपुट दे रहा है ठीक है और ये आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है कि ये बता रहा है कि ये ये परमिशन है इस स्पेसिफिक फाइल को सिर्फ एग्जाम्पल एक फाइल उठा लेते हैं ठीक है आ, ये ले लेते हैं ये स्पेसिफिक फोल्डर है ठीक है इस फोल्डर को ये परमिशन है इस फोल्डर के अंदर जो से है कोई मल्टीपल फोल्डर्स है यानी जिस तरह ये कॉन्टेंट्स है ये मुझे पता नहीं था मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ी 141 फाइल्स पड़ी हुई हैं या फोल्डर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर ठीक है और ये उसका जो सा ग्रुप है, है ये उसका फाइल साइज है ये उसकी क्रिएशन है इसी तरह मैंने वेबसाइट पर डिफाइन किया हुआ ठीक है एल एस माइनस एल की कमांड आप रन करेंगे तो ये आपको जो सी फाइल की आउटपुट दे देगा ठीक है ये आपकी परमिशन है ठीक है ये उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं ठीक है थीके? इसके अंदर मल्टीपल पड़ी हुई हैं और रूट है ऑनर इसका और उस ऑनर का ग्रुप कौन सा है वो भी कौन है फाइल का साइज फाइल का परमिशन अब सवाल ये पैदा होता है ये जो लिखा हुआ है ना ये आपने समझ लेना है ये आर एस सी एस ए में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मेरे ख्याल में परमिशन का पूरे का पूरा एक लेक्चर है उसके अंदर एक या दो लेक्चर्स है ठीक है डी का मतलब ये फाइल डायरेक्टरी है अगर अंडर स्कोर या डैश है उसका मतलब ये फाइल है तो इससे पता चल रहा है हमें कि ये जो चीज है ये फाइल है और ये डायरेक्टरी है ठीक है अच्छा उसके बाद आ जाता है एल एल का मतलब लिंक है ये शॉर्टकट टाइप की चीज नहीं होती ठीक है उसके बाद पहले जो तीन वर्ड्स हैं ठीक है ये रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ये परमिशंस हैं ये परमिशन किसको है द ओनर ऑफ द फाइल जो भी बंदा इसका ओनर है इसका ओनर कौन है रूट रूट को परमिशन है कि भाई ये इसको रीड भी कर सकता है राइट भी कर सकता है एग्जीक्यूट भी कर सकता है उसके बाद दूसरी परमिशन है

रीड राइट एग्जीक्यूट ठीक है ये आप नॉर्मली आप ये परमिशन देखना चाहते हैं ना ठीक है, है? ये आप क्या कर सकते हो कि रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड रीड ठीक है डिपेंड मैं लाजमी नहीं कह रही हार्ड एंड फास्ट रूल है आप देख के बताएंगे क्या है ठीक है अभी मैं आपको एक कमांड बताऊंगा और वो बताऊंगा कि मैंने एक दो दफा फ्रेंजिक एनालिसिस के अंदर ये देखा किसी ने आके ये रन किया है और सारा कुछ ही खोल के रख दिया उसने ठीक है

ये ये कभी हम नंबर भी देखते हैं इनके साथ लगे हुए, ठीक ठीक है? है? परमिशन बेटा, कि अगर किसी को मैंने रीड की परमिशन देनी है तो उसको मतलब उसको हमने मैंने चार दे दी राइट की परमिशन देनी है तो उसको मतलब दो दे दी एग्जीक्यूट देनी है तो एग्जीक्यूट अगर मैंने 6 दे दी है उसकी परमिशन वैल्यू सिक्स दी है तो इसका मतलब रीड एंड राइट सिक्स है रीड एंड राइट परमिशन अगर मैंने उसकी परमिशन दी हुई है सेवन तो उसका मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट अच्छा अब आ आज सी एच मोड की कमांड सी एच मोड की कमांड से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ ये तीन परमिशन हैं ठीक है एक किसके लिए ऑनर के लिए एक ग्रुप के लिए और एक एवरी वन के लिए सेवन का क्या मतलब है हर एक को फुल परमिशन है सेवन देखे यह यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है रीड के चार राइट के दो और एक साथ अगर यहाँ छे छ होता तो क्या मतलब था रीड राइट रीड राइट रीड राइट ऑनर को भी रीड राइट है एवरी ग्रुप ev, को भी रीड राइट है जिस ग्रुप का मेंबर ऑनर है और जो बंदा है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक दफा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है मगर इस प्रैक्टिकल से पहले ना मैं एक और काम कर लेता हूँ मेरे जेहन में आ रहा था कि अगर मैं किसी को कोई यूजर बनाना चाहू तरह बनता भाई एड यूजर है मेरे ख्याल में Add user, ठीक है ये ये बन बन गया ठीक है? का गया ठीक 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 है 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 का कर दिया दिया बहुत रख मैंने जी मेरे ख्याल में सेंट टू वेस्ट में इससे भी आसानी से बन जाएगा अगर मैं किसी यूजर के जो ये डिटेल जो है ना वो पड़ी होती है ई पासवर्ड में कैट करूं कैट का मतलब डिस्प्ले करना है फॉरवर्ड स्लैश ई Uh, मेरे में, और ग्रेप कर लेते हैं है। का मतलब है, काशिफ है ही नहीं ग्रेप ग्रैप के साथ पाइप साइन के साइन ये, ये काशिफ आ गया ठीक है ना काशिफ बे इसी ग्रुप का मेंबर है जो भी यूजर बनता है उसका ग्रुप भी बन जाता है और उसकी बैश भी डिफाइन होगी ठीक है ना तो ये इसको मैं मैं डिटेल में नहीं जा रहा ये थाउजेंड थाउजेंड क्या होते हैं ये आप सी सी ए सी सी एन ने कह रहा हूँ आर एस सी एस सी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है बल्कि मैंने वहीं से अपने आप क्लियर रिफ्रेशर लिया था अच्छा ये एक यूजर बन गया काशिफ ठीक है ये यूँ यूजर बनाया जा सकता है यूजर डिलीट से मेरे ख्याल में यूजर डिलीट हो जाता है मगर डिपेंड करता है यूजर ऐड की कमांड सेंट ओएस यूज करती है यूजर ऐड और ऐड यूजर की कमांड काली यूज करती है बहरहाल ये हमारा मकसद नहीं था हमारा मकसद क्या था हमने परमिशन देखनी है तो एल करते हैं और थोड़ी देर मेरे साथ कीजिएगा आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस एल एस सी डी स्पेस होम मेरे ख्याल में no, CD.

और मैंने कहा 700 700 का क्या मतलब है है 700 का मतलब है कि काशिफ को फुल परमिशन हो बाकी सब लोगों को मैंने परमिशन नहीं देनी और फोल्डर का क्या नाम है काशिफ ठीक है ये देखें चेंज हो गया अब यहाँ पे मैं एल एस माइनस सेल करूंगा देखें परमिशन चेंज हो गई है अब पहले ये यह यहाँ पे परमिशन ये थी अब परमिशन ये होगी इस तरह आप परमिशन चेंज कर सकते हैं इसके बहुत सारे तरीके का हैं डिफरेंट किस्म की कमांड्स आपकी बुक ने दी हुई हैं व्हाट सजेस्ट यू यू ट्राई एंड प्रैक्टिस देम एज एज मच कैन ठीक है और ट्राई करें काली के अलावा सेंट पे भी ये ट्राई करने की कोशिश करें ठीक है अगर मैं क्या चाहता हूँ कि हर बंदे को नहीं यार ये गलती होगी हर बंदे को सी एच मोड सेवन 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 दे देने ठीक है मेरा एक दोस्त था उसका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उससे पूछा कि सी एच मोड सेवन 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 का क्या मतलब है तो उसे पता नहीं चला उसकी उसकी वजह यह उसने ये मेरा लेक्चर नहीं सुना हुआ था तो नेक्स्ट टाइम अब वो इंटरव्यू देगा उसको समझ आ जाएगी ठीक है तो खैर एनी anyway. तो ये जो सा है एल एस माइनस एल अब देखें उसकी फुल परमिशन है हर बंदे को उस चीज के ऊपर परमिशन है उसने ग्रीन कर दिया इसका मेरे ख्याल में मतलब है कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ एक दफा इसको चेंज करके देखते हैं सेवन 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 और मैं कहता हूँ भैया हर बंदे को जीरो दे दे अब जरा एल एस माइनस एल करते देखे ग्रीन लाइन खत्म हो गई है मेरे ख्याल में ये इसीलिए होती है मुझे भी नहीं पता मैंने अभी वर्कआउट किया है पेपर के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड करते ये देखें जी येलो होगी ना इसको चेंज करते हैं इसको करते हैं जी रीड की परमिशन दे देते हैं ठीक है रीड की परमिशन होगी अब एल एस माइनस एल हैं पब्लिक सिर्फ रीड कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कर सकती मेरे ख्याल में ये जो काली के अंदर कोई चीज हाईलाइटेड ग्रीन हो इसका मतलब कि वो हर बंदा एक्सेस कर सकता है ठीक हो गया ये एक नई चीज हमें पता चल गई ठीक हो गया ये परमिशन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली काम खराब कर दिया मैंने तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने से जो सा ना रिकॉर्डिंग का पैन है ना वो चेंज हो गया अपनी जगह से मगर मेरे ख्याल में मैं उसको घुमा के वापस ले आया हूँ आई होप सो लेक्चर ख़राब नहीं होगा होप सो ठीक है अच्छा परमिशन हमने देख ली हमें पता चल गया कि अब हम किसी फाइल की परमिशन अगर रीड करना चाहते हैं तो कैसे पक करेंगे हमें यह पता चल गया कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है रीड का क्या मतलब राइट एक्जीक्यूट सेवन 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 का क्या मतलब अगर हमने चेंज कर रही है ये चीजें हमें क्लियर होगी अब हम आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट है इस कॉल्ड अम लिंक सिम लिंक को पढ़ाने से पहले मैं ये बताता चलू मेरी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि सिम लिंक का मतलब है शॉर्टकट ठीक है ना आपने एक फाइल बनाई

ये मैंने कीबोर्ड सेटिंग ना सही से नहीं की हुई टेस्टिंग उर्दू और उसके बाद अगर हम ये सिंबल दे दें और इसको कह दें जी फाइल वन, ठीक है ये फाइल बन गई आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल है अगर मैंने ये आपको डिस्प्ले करानी हो तो मैं करूंगा कैट फाइल वन और ये आपको टेस्ट उर्दू आई टी अकेडमी के नाम पे फाइल नजर आ गई ठीक है ये फाइल अगर मैं यहाँ पे भी खोलूंगा तो यही नजर आएगी इसके अंदर यही टेक्स्ट एडिटर पड़ा हुआ है ठीक है अच्छा अब मैं क्या करता हूँ मैं एक फाइल बनाता तो, हूं फाइल टू और उसको लिंक कर देता तो, फाइल वन के साथ ठीक है एल एस माइनस एस फाइल वन टू फाइल टू नहीं, नहीं। आ, मेरे में यहां मैंने गलत किया नहीं मैं बन गई अगर पे करूं, cat, uh, file two, तो, मैं है, है? तो ये मुझे करेगी जो में पड़े हुए हैं ठीक है उर्दू आई टी अकेडमी में पड़े हुए हैं तो ये होगी ये हमें कहते हैं हमने लिंक कर दी ठीक है LS -L. ये आपको जो सा है uh,

डीमन सर्विसेज क्या होती है जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं ठीक है जिस तरह प्रोसेस की हमने बात की थी तो हमने देखा था ठीक है प्रोसेस रन इन द बैकग्राउंड दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द यूजर ठीक है डीमन है आई डी लाइक एनी अदर प्रोसेसेस प्रोसेसेस की तरह पी आई डी होती है फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अगर एच डी टी पी का प्रोसेस चल रहा हो क्या थी पी एस ए यू एक्स कमांड और यहाँ पे कोई प्रोसेस रन हो रहा हो अगर मैं पहचान सकूँ नॉट वेरी श्योर इस पर एच डी टी पी सर्विस नहीं चल रही ठीक है सिस्टम डी

इस तरह की ये सारे प्रोसेस हैं इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से वर्जन कौन से फ्लेवर कौन से Linux के उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके बाद लास्ट चीज जो है वो वार लॉग्स है वार लॉग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसको जरूर खोल दूँ वार लॉग्स क्या होती है सिजलॉग्स आपके सिस्टम की ठीक है ना इनको कुछ लोग इसको फैसिलिटीज भी कहते हैं ठीक है अगर मैं होम में जाऊं और कहां से जाते हैं इसमें कमांड ही खोलिए इज्जत आस्ते ठीक है एलएस <laughs> अब इतने एक्सपर्ट हो गए हमें जो सा ये अलस सीडी स्पेस वार ठीक है और जब मैं यहाँ एलएस एस करूँगा तो यहाँ पे लॉग का एक फोल्डर होगा सीडी स्पेस लॉग ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लॉग है ठीक है माइनस ई एल में हमें हिडन भी दिखाती हैं क्योंकि है तो ये तुम्हारी ये तमाम परमिशन के साथ हैं खैर एल एस माइनस ए एल एस माइनस ए जो सी आपको हिडन दिखाती हैं जिनके आगे डॉट लगे होंगे बल है नहीं ठीक है तो सिंपल एल एस पे काम करते हैं अभी तो ये आपकी जो सी लॉग फाइल्स हैं एस की लॉग फाइल्स यहाँ पे पड़ी है एंजिंग सर्वर की लॉग फाइल पड़ी हुई है सारा कुछ यहाँ पे पड़ा अपाची टू की लॉग फाइल पड़ी है अगर आपके पास अपाची सर्विस चल रही है ठीक है ये तमाम है अगर मैं कैट यूजर डॉट लॉक करूँ तो ये आपकी यूजर की लॉग पड़ी हुई है ठीक है ये क्या लॉग्स हैं वो अलहदा डिस्कशन है अभी हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं ठीक है तो इसी तरह जो आपकी अपाची की लॉग्स पड़ी हुई होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लॉग्स होती हैं, ठीक है इसी तरह मैसेजेस की लॉग्स पड़ी होती है डिबक लॉग आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लॉग्स आप देखना चाहते हैं ठीक है अच्छा फैसिलिटीज एप्लीकेशन प्रोसेस दैट सबमिट लॉग एक कमांड यूज होती है एक, एक,

ठीक है दिस इज हाउ आई समराइज समय कि कोई भी ऐसी अलर्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोड्यूस करे इमरजेंसी अलर्ट क्रिटिकल वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 में चली जाएगी एरर वार्निंग नोटिस में और इन फोडीबक नन इग्नोर कर दो ठीक है नन का मतलब कोई नहीं है इसी तरह अपाची की एक्सेस लॉग है ये उर्दू आई टी के सर्वर पे से मैंने अपाची की लॉग डाउनलोड की है ठीक है कि ये एक यूजर है अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पर कोई यूजर लॉग हो रहा है एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को इतने बजे वीडियो एच टी टीपी डी एच टी वैल्यू है ठीक है मोजिला फायरफॉक्स मोजिला के अंदर है और उसने क्रोम भी लिखा हुआ आगे ये ये इंटरप्रेट करने की जरूरत है कि ये किस तरह हो रहा है ठीक है अच्छा क्रोम है मेरे ख्याल में ब्राउजर उसके पास फोर्टी एट पॉइंट समथिंग आउटडेटेड वर्जन है भैया आपका ठीक है इसी तरह जो सा है किसी बंदे ने जोन सा है वीडियो थ्री वन नाइन देख रहा है ठीक है ये भी थ्री वन नाइन देख रहा है ये वीडियो लाइब्रेरी वन फो फोर देख रहा है थ्री ट्वेंटी वन देख रहा है थ्री ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री ट्वेंटी वन थ्री ट्वेंटी थ्री ठीक है ना और इसके पास फायरफॉक्स रन हो रहा है फायरफॉक्स 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 ही है मेरे ख्याल में ठीक हो गया ये लॉग्स हैं नॉर्मली अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर क्या हो रहा था ये सारी इंफॉर्मेशन उठ के आपके सिम uh, सॉल्यूशन uh, में जा रही होती हैं और सिम सॉल्यूशन से आप लोग इस पे मल्टीपल को रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं अगर देखें 200 हंड्रेड मैसेजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है उर्दू आई टी की वेबसाइट आपका है ये ऑपरेशन की बात है अगर एकदम जो फोर ओ फोर आने शुरू हो जाए इसका मतलब यार कोई यूजर कोई पेज एक्सेस कर रहा है उसे नजर नहीं आ रहा तो चलो फाइंड आउट करें क्या फोर फोर आ रहे हैं या फोर हंड्रेड कैरर्स आ रहे हैं ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को बींग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट के आपको पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स प्रोड्यूस करता है और फिर जब आप इनडेप जाना शुरू हो जाएंगे जब आप एनालिस्ट बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस तरह पता होंगी ठीक है ना ये, कोई निकाल रहा है। ये कुछ नहीं है पास? मेरे में, सिस्लोक. सिस्लोक के बाद हमारे पास कुछ नहीं है उर्दू आई क्विज इंजन पे हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं और मेरी टीम में एक बंदे ने मुझे कंफर्म किया है लॉट ऑफ क्वेश्चन So, अगर आज के मैं लेक्चर को समराइज करूं तो हमने क्या देखा है कि लिनिक के अंदर जो सा है प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं ठीक है और प्रोसेस की लिस्ट कैसे निकालते हैं अपाची की एक्सेस लॉग्स हम लोगों ने देख ली ठीक है फाइल को क्रिएट करना आ, फाइल को क्रिएट नहीं परमिशन परमिशन जो सा की कम्पोनेंट था और यूनिक्स के अंदर किस किस्म के सिज लॉग्स होते हैं लाइक हमने देखा है अथेंटिकेशन प्रिविलेज क्रोन एफ टी पी इसके अलावा मेल के भी होते हैं यूज़र एन टी पी के भी होते हैं बहुत सारे ठीक है इसी तरह बैक हमने प्रोसेसेस को देखा है एफ टी पी डी एल पी डी आर एस डी भी होता है मेरे ख्याल में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का टेलनेट डी भी होता है मगर कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिस कहती हैं ये सारे प्रोसेस बंद कर दो इसी तरह हमने जो से यूनिक्स की मैसेज प्रायोरिटीज़ देखी ठीक है कि भाई एमरजेंसी और अलर्ट क्रिटिकल ये तीन इंपॉर्टेंट है नन का मतलब है कोई लॉग्स नहीं भेजनी और हमने फिर सी एच मोड देख लिया कि भाई हमने अगर किसी चीज़ की परमिशन चेंज करनी तो वो कैसे करनी हमें पता है कि रीड की फोर है राइट की टू है और एक्जीक्यूट की वन है तो मेरे ख्याल में ये लेक्चर चैप्टर नंबर नाइन हमारा खत्म हो गया अगला चैप्टर जो है हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज है उसमें मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़